प्रेगनेंसी में आने वाले स्ट्रेच मार्क्स कई बार गर्भवती महिलाओं को बहुत सताते हैं। आइए आज देखते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है और क्या इनसे पूरी तरह से बचा जा सकता है। प्रेगनेंसी से जुड़ी सभी जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें वुमनिया यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वर्षा डिगवेकर है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 30 साल से इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ। स्ट्रेच मार्क्स शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, यानी जो पेट जो आकार बढ़ रहा है, तो उससे स्किन के इलास्टिक फाइबर्स खींचने लग जाते हैं, कुछ टेयर भी हो जाते हैं यानी फट जाते हैं। ऐसे में उस तनी हुई चमड़ी पर खुजली सी होने लगती है और जब प्रेगनेंसी में महिला खुजलाती है उस जगह को, मतलब स्किन पर, तो लाल तरह के या काले होने वाले धब्बे जैसे पड़ जाते हैं। ये एंग्री लुकिंग जो मार्क्स हैं, ये ही आगे चल के स्ट्रेच मार्क्स में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन इतना जान लें कि अभी जो काले या गहरे लाल दिखाई दे रहे हैं, प्रसव के बाद वे पतली हल्की धारियों जैसे बन जाते हैं, लेकिन चमड़ी का जो आकार है वो हमेशा के लिए बदल जाता है। अब स्ट्रेच मार्क्स किस पे कितने होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे, ये आपके चमड़ी की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, न कि किसी दवा पे। तो ये जो दवाएं बनाने वाली कंपनियां हैं या जो क्रीम हैं, ये कुछ हद तक उसे कम कर सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से स्ट्रेच मार्क किसी भी महिला का रोका नहीं जा सकता है। आपने कई महिलाओं को देखा होगा कि 4-5 प्रसव होने के बाद भी उनकी चमड़ी वैसी की वैसी है। ये उनकी स्किन की इलास्टिसिटी का कमाल है, ना कि किसी क्रीम का। इसके अलावा अगर हम जब वो स्ट्रेच हो रही है स्किन, यानी उसमें खुजलाहट हो रही है, वो तन रही है, उस समय हम किसी भी तरह का मॉइस्चराइजर लगाएं, तो हमको जो एहसास है खुजली का वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। अगर हम उसको स्क्रैच नहीं करेंगे तो जो लाल धब्बे पड़ते हैं वो भी कम हो जाएंगे और इस तरह से फाइनली स्ट्रेच मार्क्स कुछ हद तक कम हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, इनसे पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता। एक कोई पर्टिकुलर क्रीम लगाने से वो स्ट्रेच मार्क्स नहीं जाते हैं। आप कोई भी घर का बना हुआ क्रीम, तेल, साधारण तेल, यहाँ तक कि घी या नारियल का तेल भी आप उपयोग में ला सकते हैं स्ट्रेच मार्क्स की खुजलाहट को दूर करने के लिए। स्किन को हमेशा साफ रखें, उसको मॉइस्ट रखें, दिन में 2 बार ज़रूरी पड़ने पर कोई भी मॉइस्चराइज़र या क्रीम लगाएं। इस तरह से आपके स्ट्रेच मार्क के जो अत्यधिक ज़्यादा परेशानी है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें अन्य महिलाओं के साथ। गर्भावस्था संबंधी सारी जानकारी के लिए और डॉक्टर एडवाइस के लिए डाउनलोड करें वुमनिया ऐप। इसका लिंक आपको वुमनिया चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।